पितामह भीष्म का वचन तो शायद आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो चलिए मैं ही एक बार रिपीट कर देती हूँ। पितामह भीष्म ने वचन लिया था कि वो कभी भी कोई भी स्त्री के सामने अपना अस्त्र नहीं उठाएगा। तो क्यों पितामह भीष्म ने विराट युद्ध में स्त्री रूपी अर्जुन पर अपना अस्त्र उठाया था? ये सवाल शायद आपके मन में कभी ना कभी तो उठे ही होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं ही बता देता हूँ क्यों पितामह भीष्म किन्नर रूपी अर्जुन पर अपना अस्त्र उठाया था। सर्वप्रथम जब किन्नर रूपी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने रथ के सहित प्रवेश किया था, तब गुरु द्रोण ही सबसे पहले अर्जुन के रथ में स्थित ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि ये योद्धा कुंती पुत्र अर्जुन ही है, और इस बात को सबसे पहले पितामह भीष्म को गुरु द्रोण खुद ही बताया था। दूसरी बात, बोरी के अनुसार अर्जुन कभी भी किन्नर था ही नहीं। अर्जुन सिर्फ अपने हाथ में धनुष का टैटू को छुपाने के लिए नारी के वेश में था।